बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इजी साइंस में। आज हम सीटेट पेपर टू साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। साइंस में कंटेंट वाला पोर्शन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो सीटेट पेपर टू का साइंस वाला पोर्शन है, इसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं कंटेंट से और 10 क्वेश्चन आते हैं पैडागोजी से। तो पहले हम कंटेंट वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अभी तक केवल निशा कपूर आई हैं, साइलेंट संजू कह रहे हैं कि मेरा सिर्फ पेपर एक ही है। तो सरिता शर्मा आ चुकी हैं, अरुण कुमार आ चुके हैं। चलिए गुड इवनिंग, तीन बच्चे आए हैं अभी आप लोग केवल। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस आते हैं जो आपका सिनारियो है कंटेंट में से, और 10 क्वेश्चंस आते हैं पैडागोजी में से पेपर टू के लिए। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 आपकी स्क्रीन पर देखिएगा आप इसको। एक्स इज ए केमिकल प्रेजेंट इन आवर स्टमक एंड इज नेसेसरी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। व्हेन एक्स इज सिक्रेटेड इन एक्सेस इट कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक इनडाइजेशन। वाई इज ए केमिकल यूज टू ट्रीट द कंडीशन व्हाट कुड बी एक्स एंड वाई। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक में स्रावित होता है तो वह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। एक्स और वाई क्या है? हेलो प्रिया, हाउ आर यू बेटा? ठीक है, तो देखो बेटा बड़ा ध्यान से इसको, ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से हम ट्रीट करेंगे। जी वंदना सिंह आइए, इसको उनको समझना बड़ा आवश्यक है। क्या आप लोग कुछ आइडिया लगा सकते हैं? अच्छा, आपके पेट में जो रसायन होता है वो कौन सा है? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आपके पेट में कौन सा रसायन पाया जाता है? स्टमक में आपके आमाशय में कौन सा केमिकल होता है? विच केमिकल इज प्रेजेंट? तो देखो, हमारे स्टमक में निकलता है गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस में से, आई एम ऑल्सो फाइन बेटा, यस अरुण कुमार, HCl। तो पहला एक्स का जवाब हो जाना चाहिए आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है, जिसको आप कहते हैं हाइपर एसिडिटी, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, ठीक है, आपको जलन होती है सीने में, तब आपको डाइजिन पीने की सलाह दी जाती है। और डाइजिन में होता है बेटा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो बी वाई जो होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस। बेसिकली इट इज ए वीक बेस, यदि आपने स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो वो भी आपको जला देगा। तो इसके लिए जो डाइजिन दी जाती है या और कुछ सीरप आती है बहुत सारी, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि MgOH ट्वाइस दिया जाता है, या कभी कभी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। दो ही केमिकल देखने के लिए मिलेंगे किसमें, जो सीरप आती है डाइजिन, म्यूकन जेल वगैरह। ओके, अब ध्यान से देखो, यानी कि एक्स क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यानी कि एक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस किस में दिया है? एक तो इसमें दे रखा है और एक दे रखा है इसमें। ये दोनों तो पहले ही गलत हो चुके हैं। लड़ाई है एक और तीन के बीच में। बेटा वाई क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है वो तो बेसिकली वॉशिंग सोडा होता है जिससे कपड़े धोते हैं। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर बाई होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और एक्स होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो 61 का 3 करेक्ट आंसर है अरुण कुमार, वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेल डन। जो बच्चे यदि पेपर वन वाला भी कोई है तो उसके लिए भी फायदा होगा, क्योंकि आगे आप लोगों ने PRT की तैयारी करनी है, तो ये सब कुछ साइंस में वहां पर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे KV के लिए करो, DSS भी, NVS या कोई भी प्रिपरेशन करते हैं, हर जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस ज़रूर पूछी जाती है। तो वहाँ पर ये जनरल साइंस में आप पढ़ लेंगे, और पेपर टू के लिए तो ये इम्पोर्टेंट है ही। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 62। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस बैक्टीरिया इज नॉट यूज्ड। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरियों का उपयोग नहीं होता, जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता? दही बनाने में बिल्कुल होता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में होता है बेटा, ठीक है। कौन सा है?
जब कर्ड बनाने के लिए जो जिम्मेदार है वो होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, लैक्टो जस्ट ए मिनट, कर्ड के लिए जिम्मेदार है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो इसके लिए जिम्मेदार है। गन्ने के रस के किण्वन में फर्मेंटेशन ऑफ सुगर केन जूस, सुगर केन जूस का जब फर्मेंटेशन किया जाता है तो बनता है आपका विनेगर यानी कि एसिटिक एसिड, तो यहाँ पर यूज होता है एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर। नाइट्रोजन के फिक्सेशन में कौन सा होता है, नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया, राइजोबियम, नोस्टॉक, एनावेना कई सारे होते हैं, तो नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया यहाँ पर यूज होते हैं। कौन सा बच्चा, डबल रोटी पकाने में, डबल रोटी जब बनती है तो हम बेकरी में किसका यूज करते हैं, यहाँ पर किसी बैक्टीरिया का यूज नहीं होता बल्कि उसकी जगह यूज करते हैं ईस्ट का, किसका, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाता है आपका वो है डबल रोटी पकाने में अर्थात बेकिंग ऑफ ब्रेड। इज इट क्लियर, क्लियर बेटा, जिसका यूज नहीं होता आप ये देखिए नॉट, नॉट इज अंडरलाइंड। तो 62 का सेकंड, 62 का सेकंड सेकंड जाएगा अरुण कुमार। निशा, निशा क्या ने कौन सा जवाब दिया, 62 का 3 गलत जवाब है बेटा, इट्स ए रॉन्ग आंसर, इसको आप सही करेंगे तो 62 का जाता है 3। आपको बता दिया दही बनता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा, सिरका बनता है एसिटोबैक्टर, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के होता है नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा, सिर्फ एक ही बचता है बेकिंग ऑफ ब्रेड, इसमें ईस्ट का प्रयोग करते हैं, और ईस्ट इज नॉट ए बैक्टीरिया, रादर इट इज फंजाई, ईस्ट एक कवक होता है, फफूंदी होती है, ये एक जीवाणु नहीं होता। इज इट क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, मजेदार तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और सही बात बताऊं 20x20 का हमारा क्या होना चाहिए, 20x20 का टारगेट है हमारा 20 में से 19 भी नहीं आने चाहिए। ओके जी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है, डिफॉरेस्टेशन अर्थात वनोन्मूलन यानी कि पेड़ों के वनों का काटना, डिएस्ट्रिफिकेशन सॉरी डेजर्टिफिकेशन आई एम सॉरी मरुस्थलीकरण, इरोजन, अपरदन, कंजर्वेशन, संरक्षण। बेटा ये जो है, ये जो तीनों के तीनों है, डिफॉरेस्टेशन, इरोजन और डेजर्टिफिकेशन, इन तीनों से ही क्या होता है हमारे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। लेकिन कंजर्वेशन जो वर्ड है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, कंजर्वेशन इज द पॉजिटिव वर्ड, तो ये तीनों नेगेटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो 63 का कौन सा आंसर जाएगा, क्या कर रहे हो निशा बेटा, जल्दी क्यों कर रहे हो, 62 का जाएगा 4। कंजर्वेशन किसी चीज को बचाना है और ये सब नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, ये आपका फायदा है, ये बेनिफिशियरी है, ये बेनिफिशियल थिंग है, और ये तीनों के तीनों जो है ये आपको कैसे हैं, ये आपके नेगेटिव एस्पेक्ट में यूज किए जाते हैं। 63 का 4 बेटा, आप लोगों की साइंस में तो तैयारी नहीं है इस हिसाब से निशा, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, आप साइंस के स्टूडेंट हैं। अरुण, निशा, सरिता, प्रिया, वंदना, ये 5 बच्चे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर मुझे जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो केवल 3 बच्चे हैं, यानी कि मजा नहीं आ रहा तो छोड़ के चले गए क्या। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, डाइजेशन इज ए केमिकल चेंज, पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल है भाई, क्यों है, क्योंकि हम स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है स्टार्च का, ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, जबकि प्रोटीन एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होती है, ये है डाइजेशन। डाइजेशन की सिंपल डेफिनेशन होती है, क्या होती है सिंपल डेफिनेशन, डाइजेशन होती है इट इज द ब्रेक डाउन और ब्रोकन डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म, डाइजेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है ये तो आपका। फोटोसिंथेसिस इज ए केमिकल प्रोसेस, ऑब्वियसली सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर के ग्लूकोज बनता है, तो ये भी केमिकल प्रोसेस हो गया। रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस, बिल्कुल ठीक बात है, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है बेसिकली उसका ऑक्सीडेशन होगा,
ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा और क्या क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनता है, प्लस 38 ATP एनर्जी मिलती है। ये वो एनर्जी है जिससे आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय अस, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कौन सा बचता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो इट इज़ नॉट ए केमिकल चेंज, इसका आंसर यही जाएगा। अब आप कहेंगे सर कि क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है, तो बच्चों क्रिस्टलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पानी में नमक घुला हुआ है और पानी को वेपराइज कर दें, इवापरेट कर दें, तो जो नीचे बचेगा वो नमक बचेगा, दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन। तो 64 का आंसर जाता है 4। इज इट क्लियर? प्रिया चली गई शायद है, कोई बात नहीं। देखो मुझसे 6-7 बच्चों ने कहा था और यहाँ पर 3 बच्चे आए हैं केवल, इसलिए मैं बार बार पूछ रहा था कि मैं क्लास स्टार्ट करूं या ना करूं, क्वेश्चन नंबर 65। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, एज पर द साइज ऑफ पार्टिकल्स, मतलब छोटे पार्टिकल से बड़ा, फिर बड़े से और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, इस तरह से इनको अरेंज करना है नीचे वालों को, कौन सा क्रम ठीक है। कणों के साइज के आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है, तो रॉक तो बहुत बड़ी होती है, क्ले उससे छोटी होती है, तो पहला वाला गलत जवाब है आपका। क्ले ठीक है, सिलिट क्ले से छोटी होती है, ये भी आपका गलत जवाब है। देखो बेटा सिलिट सबसे छोटी होगी, सिलिट का मतलब गाद के बाद क्ले किससे मोटा है, सैंड से मोटा ग्रेवल से मोटा रॉक, तो इसका आंसर है 3। इसका करेक्ट आंसर जाता है 3 वाला, 65 का 3। यस अरुण कुमार, जी निशा, सरिता आप कहाँ चली गए बच्चे, सरिता शर्मा आर यू हियर। क्वेश्चन नंबर 66। द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू, मछली में क्लोम अर्थात गिल का क्या कार्य होता है, टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, एयर से ऑक्सीजन तो ले ही नहीं सकते ये, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वाटर, ये गिल का काम नहीं है बेटा, एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, यस दिस इज द फंक्शन। तो बेसिकली मछलियाँ गिल्स की सहायता से सांस लेती हैं और जल में घुली हुई ऑक्सीजन को कंज्यूम करने का ये काम करती हैं। तो 66 का कौन सा जाएगा, रिप्लाई करो फटाफट, 66 का कौन सा आंसर जाना चाहिए, अरुण निशा, केवल 2 बच्चे यहाँ पर बचे हैं। ओके जी, एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये इनका काम है। क्वेश्चन नंबर 67। ये विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट इफ वन रन्स आउट ऑफ कनेक्टिव वायर। अब मान लीजिए तार जो है इस तरह से है, दूर दूर है, एक को मेरी फिंगर को तार मान लीजिए, एक इसको, तो ये तार मान लीजिए, इनके बीच में एक गैप है, यहाँ पर हम क्या लगा दें कि इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाए, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। तो बेसिकली उसने पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है, विद्युत का चालक कौन कौन है। अब पेपर स्ट्रिप, कागज की पट्टी का रबर बेल्ट, रबर की पेटी, या वुडन स्टिक, लकड़ी की छड़, या ब्लेड, तो बताइए इनमें से किस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ब्लेड को लगा देंगे, तो ब्लेड किसका बना हुआ, मेटल का, एंड ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ भी आ रहा है आप लोगों को, नहीं, ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अरुण बेटा रिप्लाई नहीं किया आपने, सरिता भी नहीं है यहां पर, अच्छा कमल जी आप आ चुके हैं। यदि इस तरह से बच्चे करेंगे तो मैं आगे क्लास लगाऊंगा ही नहीं।
में गायब हो जाते हैं। मंजुला इज ऑब्जर्विंग हर इमेज इन ए प्लेन मिरर। मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड द मिरर इज 5 meters। सी मूव्स 1 meter टूवर्ड्स द मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन हर सेल्फ एंड हर इमेज नाउ इज। बेटा पहले इसको, इस क्वेश्चन को देख करके एक चीज़ पूछ लेते हैं, फिर आप इसका जवाब दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा प्लेन मिरर, मान लीजिए ये कोई एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, इसके सामने मान लीजिए कोई खड़ा हुआ है, ये मान लो ड्रेसिंग टेबल है और इसके सामने खड़ी हुई है चंपा अपना मेकअप करने के लिए। चंपा खड़ी हुई है 2 meters दूरी पर, 2 meters। तो ध्यान क्या रखना है कि सीधी इमेज बनती है पहली चीज़, और सीधी इमेज होती है हमेशा वर्चुअल मतलब आभासी होती है। जो इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनती है वो होती है आपकी रियल। जितनी दूरी पर, जितनी डिस्टेंस पर मिरर से ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, मिरर के उतने ही पीछे जा करके इमेज बनेगी, तो 2 meters पीछे इमेज बनेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। हेलो कमल बिरला, तो मंजुला समतल दर्पण से अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण कर रही है, उसकी दर्पण से दूरी 5 meters है। क्या कितनी दूरी है उसकी दर्पण से? बेटा उसकी दर्पण से जो दूरी है वो है 5 meters। मतलब क्या हुआ सिंपल भाषा में कि यदि दर्पण से दूरी जितनी है 5 meters की दूरी पर है, तो क्या होगा 5 meters पर ये पीछे जाके इमेज बनेगी। अब वो कहता है कि दर्पण की 1 meter चलती है। 1 meter चलने का मतलब हुआ कि 1 meter चलने का मतलब हुआ कि इसको मैं कहीं पर मार्कर चेंज कर देता हूँ कि ये 1 meter आगे चल दी, ये 1 meter की डिस्टेंस है। जितनी दूरी ये चलेगा उतने ही इमेज आगे की ओर आएगी। 1 meter ये कम हो गया तो 4 meters यहाँ पर रह गया, 4 meters यहाँ पर रह गया, कितना हो जाना चाहिए जी अंजू? बेटा अंजू शर्मा गुड इवनिंग, कितनी दूरी हो जानी चाहिए? 4 meters यहाँ पर, 4 meters यहाँ पर, तो 8 meters आएगा कि नहीं आएगा? देख लो कहीं पर 8 meters है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल दे रखा है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है, जितनी दूरी पर समतल दर्पण से, प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट रखी होती है मिरर के, उतने ही पीछे जाके इमेज बनती है। यदि कोई 2 meters दूरी पर खड़ा हुआ है तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 4 meters। भाई 2 meters तो मिरर से, ये मान लीजिए मिरर है मेरा और ये है आपकी, क्या कहें, ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यदि मैं पास लाऊंगा, मान लो इसको मैंने मिरर मान लिया थोड़ी देर के लिए, ये देखो इसको मैंने मिरर मान लिया, और यदि जैसे क्या होगा कि मैं पास लाऊंगा मैं, ये ऑब्जेक्ट है तो उतना ही इमेज भी पास आएगी, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? 4 meters होगी दर्पण से और 4 meters पीछे इमेज की, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 8 meters आपकी हो जाएगी। मैंने पेन कहाँ रख करके रख दिया बता? बात समझ में आपको आ रही है? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा? इसका आंसर जाएगा 8 meters। अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 30 times इन 3 seconds। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। देखो भाई इसने क्या क्या पूछ रखा है, आवर्तकाल और आवृत्ति, यानी कि क्या पूछा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है। तो ध्यान से समझ लो, यहाँ पर जो आपका कहना चाहिए, आपका फ्रीक्वेंसी होती है, नंबर ऑफ वेव्स पास्ट पर सेकेंड फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड 30। तो देखो बेटा 30 बार तो ऑसिलेट कर रहा है 3 seconds में, तो 1 second में कितना हो जाएगा? 10 बार, तो इसकी आ जाएगी 10 times per second। इसकी जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10 times per second, तो आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है? फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 10 times per second। और इसको कहा जाता है हर्ट्ज, किससे डिनोट करते हैं? हर्ट्ज। तो 10 hertz हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी हुई 10 hertz? इस पेंडुलम की। भाई 3 seconds में 30 दोलन, यानी कि 30 times in 3 seconds, तो 1 second में कितना निकालना है आपको?
और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट पूछा है क्या इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक एक फ्रीक्वेंसी में यानी कि कितना टाइम लग रहा है, एक में कितना टाइम लगेगा। तो बेटा एक सेकंड में 10 है तो एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा यानी 1/10 फ्रीक्वेंसी हो जाता है। तो दैट इज 1/10। 1/10 का मतलब हुआ 0.1 सेकंड। ये हो गया टाइम पीरियड। तो देखो कहीं दे रखा है क्या, इट्स टाइम पीरियड इज 10 सेकंड, गलत हो गया। इट्स टाइम पीरियड इज 0.1 सेकंड एंड फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज। तो इसका कौन सा जाएगा, इसका सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कमल बिरला ध्यान से बेटा, ध्यान से 69 ध्यान से देखो, ध्यान से आपने उल्टा कर दिया। टाइम पीरियड 10 सेकंड कहां से हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज थोड़ी है। आपको मैं बता क्या रहा हूं, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, 3 सेकंड में 30 बार तो 1 सेकंड में 10 बार, ये हुई इसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज, तो 10 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी है बेटा। 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ये वाली दे रखी है, ये वाला ठीक हो गया। फिर भी मैंने आपको बता दिया 1/10 फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टाइम पीरियड। ठीक है भाई, समझ आ रहा है आप लोगों को? अगला वीडियो डालूंगा मैं वेव्स के ऊपर, तो ये सारी चीजें भी क्लियर कर दूंगा आपको। ओके बच्चों, ठीक है बेटा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को पहचानिए। वॉल बेयरिंग्स आर यूज टू इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन पार्ट्स ऑफ द मशीन। वॉल बेयरिंग का उपयोग मशीनों के भागों के बीच में घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है? नहीं भाई, बेयरिंग इसलिए, वॉल बेयरिंग का उसके अंदर जो गोलियां होती हैं उसमें ग्रीस लगा होता है, इसलिए होता है कि वो स्मूथली घूम सके। स्मूथली घूमने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन को कम करना। तो पहला वाला ही आपका गलत आंसर है। ठीक है, फर्स्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट को पहचानना था, यही गलत है। फिर भी हम बताते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट कैन नेवर बी एलिमिनेटेड ऑन अर्थ। बिल्कुल नहीं हो सकता। दो सरफेस के बीच में जो फोर्स है वो क्या होता है, ऐसे मान करके चलिए कि मान लीजिए ये मेरे पास में रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने ये रखा हुआ है पेन, इस पेन के और इसके बीच में, इसकी जो सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, एक जो इसको अपोज करेगा, इसको मुझे फोर्स लगाना पड़ा, ये अपोज करेगा, इसी को कहते हैं फ्रिक्शन। तो ये कभी खत्म नहीं होता। ओके, ये सही स्टेटमेंट थी। रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, बिल्कुल सही बात है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब घसीटना, और रोलिंग का मतलब क्या होता है, रोल कर करके। अब आप ऐसे समझो कि किसी एक बैग को आप घसीटते हैं तो ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि फ्रिक्शन ज़्यादा है, लेकिन यदि उस बैग में पहिए लगे हुए हैं, उसके अंदर व्हील लगे हुए हैं, तो आप इजीली उसको खींच पाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया। ठीक है, तो ये भी ठीक आपका, ये भी ठीक। द फ्रिक्शन फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू ए फ्लूइड डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप। यदि किसी फ्लूइड के ऊपर, मान लीजिए पानी के ऊपर एक कटोरी तैर रही है, कोई कील है या कोई कागज तैर रहा है, तो उन दोनों के बीच की जो शेप पर डिपेंड करेगा। तभी तो लोहे की कील पानी में जो है वो डूब जाती है, क्योंकि वो नैरो होती है, उतना नहीं हट आ पाती, जबकि जितना फैला हुआ होगा इजीली तैर पाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन का भी कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ही वाला गलत हो गया, गलत को पहचानना था, बाकी सारे के सारे ठीक दे रखे हैं। 70 का जाता है आपका कौन सा बेटा, 70 का सही आंसर है आपका बच्चों 1। ठीक है बच्चों, समझ भी आ रहा है आप लोगों को? नहीं, 70 का 1, अरुण कुमार 70 का 1। इन्होंने नेगेटिव पूछा है बेटा, गलत कथन पहचानिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सत्य है। आयरन कैन रिप्लेस द जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन।
अब जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, बेटा उसके लिए मैं मुझे आपको पढ़ानी होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, बेसिकली जो रिएक्टिविटी सीरीज मुझे आपको पढ़ानी है, एक क्लास एट्थ में एनसीईआरटी में दे रखी है, आई थिंक सेवन्थ या एट्थ में दी है, एट्थ में दे रखी है, मैं आपको यहीं पर पढ़ा देता हूँ, आप लोग अपना कागज़ पेन रेडी कर लो, कागज़ पेन अपना रेडी करो, मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाने जा रहा हूँ, फटाफट रेडी करो। रिएक्टिविटी सीरीज किसकी, मेटल्स की, हेडिंग डालना है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, कागज पेन रेडी कर लीजिए आप अपना, तभी मजा आएगा आपको, ध्यान रखना। रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, तो इस सीरीज में ध्यान से सुन लो, इस सीरीज में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो है आपका पोटेशियम, इस सीरीज में मोस्ट रिएक्टिव है पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव है आपका प्लेटिनम। मोस्ट रिएक्टिव क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है आपका पोटेशियम, दैट इज द के, और लीस्ट रिएक्टिव सबसे कम रिएक्टिव है आपका प्लेटिनम, इट इज द, अभी सब बताऊंगा बेटा, सब बताऊंगा, पहले इसको समझ लो अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। ये इट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मोस्ट रिएक्टिव पोटेशियम, लीस्ट रिएक्टिव प्लेटिनम। क्या आप इसको याद कर पाएंगे, कौन कौन इसको याद कर सकता है, मुझे फटाफट रिप्लाई करो, कौन कौन याद कर सकता है, यदि याद नहीं कर सकते हैं तो मैं इसकी ट्रिक बताता हूं, एक याद कर पाए तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, फिर आपको ट्रिक बताऊं, याद कर लेंगे आप। क्या मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं या आप इसको लर्न कर सकते हैं, निशा कपूर लास्ट वाला प्लेटिनम है बेटा, तो आप इसको एक छोटी सी कहानी सुनिएगा, वो छोटी सी कहानी इस प्रकार है कि दो भाई हैं कल्लूमल और नत्थूलाल, कल्लूमल नाम है एक का, दूसरे का नाम है नत्थूलाल, उन दोनों ने एक माली रखा हुआ है, और जो माली है वो बड़ा ही व्यवहारिक है, व्यवहार कुशल है, यदि कोई भी आता है तो बिना चाय पानी खाने के जाने नहीं देता है, बहुत अच्छे नेचर का माली है। अब किसी को उसने खाना परोसा, भाई कोई खाने के टाइम पर पहुंच गया और आलू की सब्जी को खा रहा था, तो उसको खाना परोसा गया, फिर खाना परोसने के बाद में दो बार सुन लो, उसको नोट कर लेना, चाहो तो बाद में वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, आसानी से ट्रिक याद हो जाएगी, ठीक है, बाद में देख करके, चूंकि लिखने में थोड़ा सा इतनी जगह कम है मेरे पास, तो कैसे होगा कल्लूमल और नत्थूलाल का माली, कल्लूमल और नत्थूलाल का माली आलू जरा फीके पकाता है। दो औरतें बात कर रही थी आपस में कि कल्लूमल और नत्थूलाल, के से कल्लूमल, एन से एन ए से नत्थूलाल, यहाँ पर जो के है वो साइलेंट है बेटा, का इसको आपने साइलेंट करना है। कल्लूमल और नत्थूलाल का माली, माली का मतलब है एम जी, आलू का मतलब ए एल, जिंक का मतलब है जरा, फीके आयरन और कार्बन, फीके पकाता, पी बी है पकाता है। अब उसने सुन लिया कि भाई एक तो मैंने किसी को खाना खिलाया,
और खाना खिलाने के बाद में भी ये इस तरह से बात कर रहे हैं कि कल्लूमल और नथुलाल का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब उसको आया गुस्सा, गुस्सा आया तो उसने कहा कौन है, कौन, माली ने कहा कौन है, यानी कि CUHG, आगे आओ, कौन है आगे आओ, उसे पीटूंगा। मतलब क्या हुआ बेटा, इसका ध्यान से समझ लीजिए, उसे जो है यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। कौन है, कौन का मतलब कॉपर, HG का मतलब है, आगे का मतलब AG सिल्वर, आओ AU का मतलब गोल्ड, और पीटूंगा का मतलब प्लेटिनम। नाम बता रहा हूँ, सोडियम, ये के का मतलब पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन कार्बन, इसके बाद लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर है आपका मरकरी, फिर है आपका सिल्वर, देन गोल्ड, देन प्लेटिनम। तो ये आपको आराम से याद हो जाएगी, 2-3 बार आप देखेंगे कि कल्लूमल और नथुलाल का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो उसे गुस्सा आता है, कहता है कौन है आगे आओ, मैं उसे पीटूंगा। इज इट क्लियर? अब देखो बेटा, इसका फायदा क्या है, यूज क्या है। हर बार मैं आपसे कहता हूं, आप अपने घर के लिए कार खरीद के लाते हो, ट्रक क्यों नहीं खरीद के लाते, उसमें तो ज्यादा लोग बैठ करके जा सकते हैं, लेकिन ट्रक ज्यादा जगह घेरेगा, कंफर्टेबल नहीं है, आपको कार की आवश्यकता है, तो आप कार ही खरीद करके लाते हैं। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। तो इसका यूज क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, मैं इसको रब करने जा रहा हूं बेटा। एप्लीकेशन आपको नोट कर लो, एप्लीकेशन के लिए 2 रूल बताऊंगा मैं, एक रूल नंबर वन और रूल नंबर 2। यहाँ पर फटाफट आप लोग जो इंग्लिश वाले हैं वो ई टाइप करें, जो हिंदी वाले हैं वो एच टाइप करें, फटाफट टाइप करके बताओ। जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो ई टाइप करेगा, जो हिंदी मीडियम का है वो एच टाइप करेगा। जल्दी से रिप्लाई फास्ट। ओके, ठीक है, ठीक है, और बताओ। कॉपी पेन उठाओ और फटाफट इसको नोट करो। रूल नंबर 1, नोट करो कॉपी पेन उठा के। नियम 1, रूल नंबर 1, पहले हिंदी वाले नोट करेंगे फिर इंग्लिश वालों को नोट कराता हूं। केवल 3 बच्चों ने रिप्लाई किया है, बाकी ऐसे ही छोड़ करके चले गए। देखो हिंदी वाले बच्चों, अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को लिखो रेडी फटाफट फिर। अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवणों में से विस्थापित कर देती हैं। अभी समझा रहा हूँ बेटा, आज के बाद आप भूलोगे नहीं, गारंटेड। कम से कम 1 या कभी-कभी 2 क्वेश्चन भी आते हैं इससे, मैं पूछना, मैं चाय कितनी रखे गई थी, 1/2 कप, वो भी जल गई। लिख लिया,
अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवणों में से विस्थापित कर देती हैं। निशान नोट करो, मोर रिएक्टिव मेटल्स displace less reactive metals from their salts. अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को उनके लवणों में से विस्थापित कर देती हैं। तो देखो बेटा, यहां पर आ जाओ, एक ही रूल बता देते हैं, बाद में दूसरे की जरूरत जब पड़ेगी तब बताएंगे। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ये ऊपर वाली जो है पोटेशियम सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम जिंक से, जिंक आयरन से, ठीक है। मान लो कि यहां पर लिखा हुआ है कि कॉपर सल्फेट और जिंक, तो जिंक जो है कॉपर से, कॉपर जो है कम रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक चूंकि ज्यादा स्ट्रांग है तो ये ताकतवर है, तो इसको रिप्लेस कर देगी यहां से, कह कि हट यहां से, मुझे बैठना है। ऐसे मान करके चलो कि एक कुर्सी है, एक यहां पर एक कोई सीट है, इस पर दो लोग बैठे हुए हैं। अब यहां पर कौन, दो लोग बैठे हुए हैं, तीसरा आता है बोले हट एक तरफ को, यदि ये वो ताकतवर होगा तो हटना पड़ेगा, और यदि वो ताकतवर नहीं होगा तो कह रहा चल अलग देख अपना काम देख, नहीं हटता यहां से, पता क्या करेगा मेरा। तो सेम चीज है, चूंकि जिंक जो है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक ताकतवर ज्यादा है कॉपर से, इसलिए कॉपर को रिप्लेस कर देगा, यही रूल है बेटा। लेकिन आप यदि सोचो कि जिंक सल्फेट है और जिंक सल्फेट के पास कॉपर आ जाए, बोले एक तरफ को हट, बोले चलना तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। इज इट क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आयरन कैन रिप्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो बेटा जिंक इज मोर, जिंक जो है जो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, इसलिए आयरन की ये औकात नहीं है कि आयरन जिंक को रिप्लेस कर सके। तो ए हो गया आपका गलत। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर, यानी कि आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन जो है इस सीरीज में कैसा था, कम रिएक्टिव था। मुझे चाय कितनी रखे गए थी भाई, आधा कप थी, वो भी जल गई। ठीक है, जिंक कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि जो कॉपर है वो आयरन से कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया आपका, इसका जाएगा केवल बी, ओनली बी। समझ आ गया? अरे भाई समझ में आया या नहीं आया? आगे से कागज पेन लेके बैठेंगे आप। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग लिक्विड। क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज बहुत कम होती है बेटा, तो ये बॉइलिंग, कोई बॉइल वाली चीज को ऐसा नहीं है कि दूध खोल रहा है उसमें आपने डाल दिया, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, नहीं यूज कर सकते हम। रूम थर्मामीटर हैव ए रेंज ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। क्या रूम टेम्परेचर 30 से कम नहीं होता है? बिल्कुल होता है, तो ये भी गलत हो गया भाई। रूम टेम्परेचर सर्दियों में तो एक दो, कहीं कहीं पर तो जीरो भी चला जाता है। ठीक है, 100 का क्या होगा, 100 तक तो कभी नहीं जाना है, ये भी गलत हो गया। लेबोरेटरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस माइनस 42 डिग्री सेल्सियस होता है,
नहीं बेटा लेबोरेटरी थर्मामीटर तो बहुत बहुत ज़्यादा तक भी होता है, ये भी गलत है आपका, वो तो 100 डिग्री सेल्सियस तो पानी का ही बॉइलिंग पॉइंट है। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ए क्लिनिकल थर्मामीटर, बिल्कुल ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितनी होती है 47 डिग्री सेल्सियस तक के आसपास की इसकी रेंज होती है। कहना चाहिए कितना, तो ये होता है इसके अंदर 96 से लेकर के बेसिकली 96 से लेकर के 110 फ़ारेनहाइट तक ही बुखार नाप सकता है। और इसको यदि कन्वर्ट करेंगे, यदि आपने मेरा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने उसमें हीट एंड टेम्परेचर में अभी आपको दो दिन पहले वीडियो पोस्ट किया था परसों, उसमें बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है टेम्परेचर को, तो प्लीज़ 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 जिसने भी ना देखा हो उसको जा करके देख लें। ओके जी, और यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं एक एक करके धीरे धीरे वीडियोज़ डाल रहा हूँ, सारे वीडियोज़ डाल दूंगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के, तो आपको थ्योरी वहाँ से क्लियर हो जाएगी। लॉकडाउन खुल जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, क्लासरूम में भी होंगी चीज़ें। यदि लॉकडाउन नहीं खुलता है तो अभी आपका करा दूंगा मैं, चिंता मत करो, एग्ज़ाम की तैयारी बहुत पहले से मैं आपकी निपटा करके ख़त्म कर दूंगा। ओके जी, और बेहतर होगा कि आप जाएं, आप फ़ोन करें ज़रा इनको, ये AFT की जो क्लासेस चल रही हैं, बोले सर हमारी साइंस की क्लास भी करवाओ, तो मैं वहाँ पर थ्योरी करा दूंगा, यहाँ पर केवल क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ओके जी, अदरवाइज फिर मैं अपने 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 आराम के हिसाब से कराऊंगा, ठीक है, समझ आ गया आपको ये। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है आपका, वो सही आंसर जाता है आपका 4 इज़ द करेक्ट आंसर। जो प्रयोगशाला का थर्मामीटर का परीक्षण होता है वो डॉक्टरी थर्मामीटर से बहुत अधिक होता है। जी रमन कुमारी, अब देखो भाई ये सब आपको पहचानना है, आप अपनी अच्छी तरीके से जानते हैं, सबने ये जमाना देखा है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ केरोसिन इज मोर देन दैट ऑफ ए कोल, गलत कथन को पहचानना, ध्यान रखना, 4 दे रखे हैं इसमें से 3 सही है 1 गलत है, आपने सही को नहीं गलत को ढूंढना है। केरोसिन का कैलोरी मान यानी उसमें मान कोयले के उसमें मान से अधिक है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल इज मोर देन द वुड, कोयले का कैलोरी मान लकड़ी के कैलोरी मान से अधिक है, बिल्कुल दोनों ही ठीक है भाई। हम कोयले से ज़्यादा तेज तो आपका केरोसिन चलता है, तो ये तो ठीक है। और आपको पता है लकड़ी से ज़्यादा आँच मिलती है आपको कोयले से, तो ये भी ठीक हो गया, आप दिमाग लगाओ बस। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस इज मोर देन दैट ऑफ LPG, नहीं साहब, LPG बहुत तेज चलती है, बायोगैस इतनी तेज नहीं चलती। तो सही आंसर तो आपका 3rd है बेटा, ठीक है। इसकी होती है 3000 से लेकर 4000 किलो जूल पर किलोग्राम बायोगैस की, जबकि LPG की होती है 5000 के आसपास। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CNG इज मोर देन दैट ऑफ डीजल, बिल्कुल है, गैस जो है डीजल की अपेक्षा जो है ज़्यादा तेजी से चलती है, तो ये भी ठीक था। तो इसमें जो गलत था वो केवल एक ही था, तो सही आंसर जाता है इसका 3rd। दिमाग लगाना था खुद का। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं इसी से, बायोगैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है। बायोगैस जिसको कि आप गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कई सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डंग ऑफ एनिमल डंग, कैटल डंग बेसिकली। तो बायोगैस का मेन कंपोनेंट होता है मीथेन, क्या होता है मीथेन। और मीथेन कैसी है ये ग्रीन हाउस गैस भी है बेटा, इट इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, मीथेन ये ग्रीन हाउस गैस भी होती है। और सुन लीजिए, मीथेन कैसे बनती है, तो जो कैटल डंग होते हैं उनके रेक्टम में होता है एक बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है मीथेनोजन। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है कैटल डंग के रेक्टम में या लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जवाब है मीथेनोजन। ओके, तो सही जवाब के साथ साथ रिलेटेड क्वेश्चन भी हम साथ साथ करते चल रहे हैं, आगे जिससे आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 74, अ बस ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर,
फॉर 12 मिनट्स एंड देन एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द नेक्स्ट 18 मिनट्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द बस ड्यूरिंग दिस टाइम। आपकी पहले 12 मिनट में स्पीड कुछ और दे रखी है और दूसरे में 18 मिनट में कुछ स्पीड और दे रखी है, टोटल डिस्टेंस आपको बतानी है। ओके, कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और अगले 18 मिनट में 40 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है? ध्यान रखने वाली बात फिजिक्स में एक होती है बेटा, मैं इसको इंग्लिश वाले को इस तरफ कर रहा हूँ, हिंदी वाले से भी काम चल जाएगा, आप लोग पढ़ तो चुके ही हैं। ध्यान रखने वाली बात ये होती है यहाँ पर कि हमेशा आपको यूनिट पर ध्यान देना है, क्या सारे यूनिट एक जैसे हैं? तो स्पीड आपकी दे रखी है कितनी, स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, स्पीड दे रखी है, स्पीड कितनी दे रखी है पहली वाली, देखिए ऐसे ऐसे मान करके चलो, ऐसे मान के चलो इसको, यदि मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊँ कि ये कोई रोड है, यहाँ पर पहला 12 मिनट का टाइम है, फिर 18 मिनट का, यहाँ पर ये बस चल रही है, बस ये जो बस है बच्चों, यहाँ पर इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर। एक आपने क्या किया, एक बिल्कुल आपका एक इस तरह से बना लिया। अब देखना आपको क्या है, तो आपको एक चीज़ पता है, डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस किसके बराबर होगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। दो केस दे रखे हैं, केस नंबर वन है आपका बच्चों ये वाला, ये वाला, केस नंबर टू ये वाला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, केस नंबर वन में डिस्टेंस देखते हैं, डिस्टेंस कितनी है, स्पीड दे रखी है 50 इंटू टाइम कितना है 12, लेकिन बेटा ये मिनट है और यहाँ पर है किलोमीटर पर आवर, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, 12 5 जा और 5 10 जा, तो ये आ जाएगा कितना 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर क्या आ गया, पहले केस में आ गई इसकी डिस्टेंस, पहले केस में आ गई इसकी डिस्टेंस। सेकंड केस में देखते हैं बच्चों, सेकंड केस में यदि मैं देखूँ तो सेकेंड केस में कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, तो जो डिस्टेंस है दैट इज़ कितनी है, पहले स्पीड कितनी है 40 इंटू टाइम कितना दे रखा है 18, चूँकि मिनट में है, लोचा है, 60 से डिवाइड करेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 जा 18, 6 3 18 और 3 चौक 12, 3 4 जा 12 किलोमीटर, तो 10 और 12 कितने हो गए 22 किलोमीटर। कहीं पर आंसर दे रखा है, यस सेकेंड दे रखा है, तो इसका जवाब हुआ आपका 22 किलोमीटर। क्या सबको ये समझ में आ गया, जिसको समझ में ना आया हो फटाफट मुझे रिप्लाई करें, क्या आप लोगों को 74 समझ में आ गया या नहीं, फटाफट रिप्लाई करके मुझे बताएंगे, जल्दी से जल्दी फास्ट। जल्दी से रिप्लाई करो, हाँ जी आ गया निशा, ओके अरुण कुमार आ गया, और किसी बच्चे को समझ में ना आया हो तो बोलो भाई फटाफट, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी हेजिटेशन। डब्ल्यू में बताओ, रूट नहीं मिलने चाहिए, व्हाट तीन लोगों ने रिप्लाई किया है मुझे केवल, रिन्नी बोगरा कहाँ चली गई है, रिन्नी सरिता ये भी गायब हो गई, एक तरुण कुमार थे उस वो नहीं आए आज क्लास में, चलिए
identify the incorrect statement from among the following. निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानना है आपको. द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस इज पीरियोडिक मोशन. पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है. बिल्कुल है भाई. देखो अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है 23 घंटे 56 मिनट में लौट करके वापस आ जाती है. एक पीरियोडिक मोशन का मतलब है एक फिक्स टाइम के अंदर फिक्स इंटरवल में. एग्जाम्पल के तौर पर जो घड़ी की सुई है वो ठीक 60 सेकेंड में सेकेंड वाली सुई घूम करके 12 से चलेगी 12 पे पहुंच जाएगी. इसको कहते हैं पीरियोडिक मोशन. ओके एक पेंडुलम है जितने टाइम में एक फिक्स टाइम है उसको ऐसे पहुंचने का. इन सबको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. मतलब क्या फिक्स एक डेफिनेट और एक कांस्टेंट डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन कांस्टेंट टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. तो ये तो आपका ठीक जवाब है. इसको तो हम गलत कर नहीं सकते. द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टिलिनियर मोशन. बेटा जो लाइट है वो हमेशा कैसा स्ट्रेट लाइन मोशन में चलती है. और स्ट्रेट लाइन मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन. ठीक है यदि किसी को लीनियर मोशन रेक्टिलिनियर मोशन समझ में ना आया हो तो मेरा मोशन का दूसरा वीडियो है उसको उठा करके पढ़ लीजिए आप. मोशन से मैंने दूसरा वीडियो बना रखा है उसको देख लीजिए आप. तो ये वाला भी ठीक हो गया. द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग इज ए सितार इज ओसिलेटरी मोशन. सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है. तो सितार में जो तार होता है बिल्कुल ऑब्वियसली सी बात है ओसिलेटरी मोशन होता है. कंपन होता है ओसिलेशन हो रहा है. तो ये भी ठीक है. ऑल पीरियोडिक मोशंस आर सर्कुलर मोशन. बिल्कुल गलत बात है. ऐसा नहीं है आप यहाँ से गए यहाँ से घूम करके एक पर्टिकुलर टाइम में आ रहे हैं तो अभी ये पीरियोडिक मोशन है. पेंडुलम के केस में क्या होता है. पेंडुलम के केस में आप देखते हैं कि पेंडुलम जो है वो एक फिक्स टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है. तो ये भी एक पीरियोडिक मोशन है. तो ऑल पीरियोडिक मोशंस आर नॉट सर्कुलर मोशन. तो आपका सही जवाब इसका है 4. देखो भाई फिर दोबारा आ गया लाइट से. दो क्वेश्चन आए इस बार. समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे से दिए गए कौन से कथन सत्य हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर. मिरर इमेज इज इरेक्ट. प्रतिबिंब सीधा बनता है अभी बताया था. बिल्कुल सीधा बनता है. इमेज इज रियल. नो सीधी इमेज हमेशा कैसी होती है बेटा वर्चुअल होती है. सीधी इमेज जो इरेक्ट होगा वो वर्चुअल होगा. जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा. जो सीधा होगा वो आभासी होगा. जो उल्टा होगा वो वास्तविक होगा. तो सेकंड इज रॉन्ग. नेक्स्ट थर्ड वन इज इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड. लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि मान लो चमेली अपना मेकअप कर रही है ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर के. चमेली अपने बाएं गाल पे थप्पड़ मारती है तो इमेज जो है वो दाएं गाल पे मारेगी. इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तित. बाएं का दायां दिखाई दे रहा है दाएं का बायां. तो हमेशा प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है इट इज लेटरली इन्वर्टेड बनती है. तो ये भी ठीक हो गया. द इमेज साइज इज सेम दैट द ऑब्जेक्ट. अभी बताया था सेम साइज की इमेज बनेगी बेटा. यदि चमेली की हाइट 5 फुट की है तो जो उसकी इमेज बनेगी वो भी 5 फुट की बनेगी. तो ए सी एंड डी कौन सा सही हो गया बेटा इसका. फटाफट रिप्लाई करो. निशा कपूर क्या दोबारा बताऊं बेटा. निशा रिपीट लिख करके दो. क्या मैं दोबारा बताऊं आपको. अच्छा इरेक्ट वाला. देखो इरेक्ट का मतलब सीधा. मान लो आप निशा जब तुम ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर के अपना मेकअप वेकअप करती हो तो क्या होता है जो जो आपकी इमेज बनती है उसमें क्या वो आप पद्मासन में खड़ी हो जाती हो. सिरासन कौन सा बोलते हैं पद्मासन. उल्टी हो जाती हो मतलब पैर आपके ऊपर रहते हैं सिर नीचे होता है क्या. फिर तो पता चला कि आप कि आपने चेहरे का कोई अपना मेकअप करना है और आपकी नेल पॉलिश पैरों वाली दिखाई दे रही है. फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी. इसको कहते हैं बेटा इन्वर्टेड इमेज. इरेक्ट का मतलब सीधा है. तो आप हमेशा प्लेन मिरर का यूज करते हैं. कहाँ पर प्लेन मिरर का यूज़ करते हैं आप. अपनी ड्रेसिंग टेबल में घर पर प्लेन मिरर होता है वो समतल दर्पण होता है. आप इसको समझ लीजिए ऐसे.
दिस इज अ प्लेन मिरर. प्लेन मिरर का मतलब है कि ये प्लेन हो. मिरर का मतलब होता है उसके पीछे पॉलिश होनी चाहिए और पॉलिश होती है सिल्वर की. एक क्वेश्चन यहाँ पर और जनरेट होता है. चांदी की पॉलिश की जाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी पॉलिश होती है दर्पण के पीछे, चांदी की. अब देखो बेटा, ध्यान रखना बिल्कुल जैसे चोर और सिपाही होते हैं ना, उनका साथ होता है बिल्कुल सेम है. यदि रियल है तो इन्वर्टेड होगी, यानी कि इन्वर्टेड है तो रियल होगी, वास्तविक है तो उल्टा होगा. और यदि वो इरेक्ट है तो हमेशा कैसा होगा, वर्चुअल होगा, यानी कि वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा. ऐसा आभास होता है. एग्जाम्पल के तौर पर आपकी इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर में, जब आप समतल दर्पण में अपना फेस देखते हो तो ऐसा लगता है कि पीछे कोई आप जैसी खड़ी हुई है. क्या आप जैसे कोई खड़ी हुई होती है? नहीं, आपको सिर्फ ऐसा एहसास हो रहा है. और दूसरा एक ट्रिक और बताता हूँ, जब जब मिरर के पीछे की तरफ इमेज बनेगी, इट विल बी वर्चुअल, इट विल बी वर्चुअल. ध्यान से सुनना, जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा आभासी होगा, और सेम साइड में बनेगा तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड होगा. इतने तरीके मैं आपको बता दूंगा. हालांकि 3 घंटे का बेटा ये लाइट का, यदि मैं क्लासरूम में पढ़ाऊँ तो 3 घंटे, वीडियो बना के डालूँ तो कम से कम 2 घंटे, तब मैं इसको पूरी चीज आपको समझा पाऊंगा. ये बहुत बड़ा टॉपिक है. ओके, तो जो चीज मुझे समझानी थी वो मैंने आपको समझा दी. आप और अच्छे खासे तरीके हैं. आपको लगता है कि वास्तव में कोई पीछे खड़ा हुआ है ना. आप पूछती हैं घर में कि कोई मेरे पीछे है क्या मेरे जैसी, है ना. बोले भाई तेरे को बहम हुआ है. तो बहम को दूर करने के लिए क्या करेंगे आप, तो अपने थप्पड़ मारते हैं. आप अपने सीधे गाल पे थप्पड़ मार के देखना, तो जो जो उसमें इमेज बन रही है वो गाय बाय गाल पे मारेगी. इसको कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड या बायलेटरली इन्वर्टेड, पार्श्व परिवर्तित. ओके, वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 77 नहीं करेंगे, 78 भी नहीं करेंगे, आज पेडागोजी नहीं कर रहे हैं हम, मिक्स हो जाता है बेटा सब. 79 भी नहीं करेंगे. '80, '81, '82 तीनों के तीनों पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं करने जा रहे हम. 83, '84, '85, '86 पेडागोजी. चलिए 87 करते हैं. फैक्ट बेस्ड से क्वेश्चन है बेटा ये, इट इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. कंटेंट का क्वेश्चन है, फैक्ट्स पर आता है ये. देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं. देखो ये तो क्लियर हो गया कि 2 कथन सही हैं, 4 दे रखे कम से कम. क्यों? क्योंकि ऑप्शन में 3 तो है ही नहीं कहीं, समझ रहे हो. तो पाश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम हेयर ऑफ गोट्स. जो पाश्मीना का शॉल होता है वो किससे बनता है? बकरी से बनता है. बिल्कुल, पाश्मीना बकरी होती है. और आपको पेपर 1 में मैं अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ कि बकरी के गर्दन के नीचे के बाल होते हैं, चांगपा नाम के लोग उनको पालते हैं. ठीक है, 5000 मीटर की ऊंचाई पर जाकर के वो रहते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है उतने ही इसके बाल मुलायम होते हैं. एक शॉल को बनाने में 250 घंटे का समय लगता है. ठीक है, पेपर 1 में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ जा चुका हूँ. भूल गया. तो पश्मीना शॉल, ये पहला वाला बिल्कुल 100% करेक्ट है. अंगोरा इज ए टाइप ऑफ वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट. ध्यान रखना, अंगोरा एक प्रकार की ऊन होती है जो खरगोश से प्राप्त होती है. बड़ा कंफ्यूजन होता है अंगोरा गोट में और अंगोरा रैबिट में. अंगोरा बकरी का भी नाम है, लेकिन अंगोरा बकरी जो है उससे एक अलग टाइप की ऊन प्राप्त होती है, जो कि टेक्सटाइल में, इट इज वेरी लस्टर, इट इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो उस पर ध्यान नहीं देना. अंगोरा जो ऊन है वो केवल बकरी से, सॉरी खरगोश से प्राप्त होगी. कैमल वूल इज यूज्ड टू मेक कारपेट. नो, पश्मीना वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रैबिट. नो, ये भी गलत है. तो ए एंड बी कहीं दे रखा है क्या? हाँ जी, ठीक है बेटा, सही जवाब दिया आप लोगों ने भी, लेकिन आप लोग कम जवाब दे रहे हैं आज. चलो, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ना कि फैक्ट बेस्ड. फैक्ट तो इन्वॉल्व होंगे होंगे, बट इट इज अ कॉन्सेप्ट. आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो. नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए. लॉन्ग बैकबोन,
लॉन्ग बैकबोन किस किस में हो सकती है? तो एक तो मछली में होती है, बिल्कुल हेड टू टो, और किस में होती है? सांप में होती है, है ना भाई? अर्थवर्म में बैकबोन नहीं है, स्नेल में नहीं है, हुकबम में नहीं है। तो पहले से ही मैं कर करके मैंने आंसर इसका स्नेक दे दिया, फिर भी बाकी चीज़ बताता हूँ। मैनी मसल्स, बहुत सारी मसल्स होती हैं औरों में भी होती हैं। बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड, स्नेक है तो अर्थ के साथ में भी यही होता है। तो यहाँ पर जवाब है स्नेक, क्योंकि स्नेक इज ए रेप्टाइल एंड रेप्टाइल्स आर वर्टिब्रेट्स, दे हैव वर्टिब्रल कॉलम। जितने भी सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं सबके सब कशेरुकी होते हैं, और उनके अंदर मेरुदंड पाया जाता है, अर्थात रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो लंबा मेरुदंड इनमें से किसमें? केवल सांप में। तो 88 का कौन सा जाएगा? अरे जवाब तो फटाफट, वन जाएगा, टू जाएगा? अरुण कुमार टू, और कोई? क्या अरुण कुमार ने सही जवाब दिया है? वन, स्नेक इज द करेक्ट आंसर। ओके निशा, अरुण, ये बाकी बच्चे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? देखो इस वीडियो को आप लोग एक एक बार और देखें, और जितने चीज नोट करने के लिए बोला उनको नोट डाउन करें आप लोग, ठीक है? खत्म होने के बाद एक बार और देखें। क्वेश्चन नंबर 89 करेंगे, और 90 दो ही क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट करते हैं इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि चार में से तीन ठीक हैं, एक गलत है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, बिल्कुल सही जवाब है ये। जितनी भी आर्टरीज होती है वो दे कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये पेपर वन में भी आपको पढ़ा रखा है मैंने। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट, क्या मतलब? हार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाती है, बिल्कुल सही बात है। अरे भाई ऑक्सीजन को हार्ट से ही तो लेकर के जाती है दूसरे भाग में, पहले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में ही आएगा। आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, बिल्कुल मोटी होती है, ये भी ठीक है। तो आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स, कौन सा सही जवाब है इसका? धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं, बिल्कुल सही है। धमनियों की भित्तियां प्रत्यस्थ होती हैं, ये भी ठीक है। देखो बेटा, नहीं लिखा लिया, देखो सही बात बताऊं मैं तो, जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजन को खाली लेकर के नहीं जाती, बल्कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं। ध्यान से रखने वाली बात यह है कि इसका सेकंड जाएगा बेटा, कि ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स। तो इसका सही जवाब है आपका ये सेकंड वाला, बाकी सारे के सारे ठीक दे रखे हैं। समझ आ गया? नहीं निशा कपूर, ये भी ठीक है, इलास्टिक वॉल होती है उनकी, ये भी ठीक है। केवल सेकंड जो है ऑक्सीजन को लेकर नहीं जाती है, ज्यादातर क्या लेके जाएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएंगी, उसकी जगह क्या लेके जाएंगी? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएंगी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं और फिर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर, देखो भाई इसको मैच करना। एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? विनेगर में। एसिडिक एसिड पाया जाता है विनेगर में, यानी कि A4, तो A4 दे रखा थर्ड में, देखा जाए तो ये थर्ड वैसे ही ठीक हो गया, कुछ सोचने की गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर, थर्ड करेक्ट आंसर वैसे ही हो गया। चलो लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? कर्ड में। क्या दे रखा है? B1, बिल्कुल दे रखा है। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है पालक में, स्पिनेच। ऑक्जेलिक एसिड किसमें होता है? पालक में होता है। ऑक्जेलिक एसिड होता है आपका पालक में बच्चों, लैक्टिक एसिड कर्ड में, एसिटिक एसिड विनेगर में। एस्कॉर्बिक एसिड किसमें होगा? सिट्रस फ्रूट में होगा। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ तक समाप्त होता है। यदि किसी बच्चे को कोई डाउट हो दोबारा वीडियो देखें, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, अगली क्लास में उन चीज़ों को मैं सॉल्व कर दूंगा। यदि
आप में से कोई ऐसा है जो नया बच्चा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पुराने पुरानी जितने भी बायोलॉजी और फिजिक्स के वीडियो पड़े हुए हैं मैंने अपलोड कर रखे हैं मेरे चैनल पर, उन सबको ले जाकर के देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ठीक है, नमस्कार, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबका दिन